हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक का चैप्टर नंबर 1 लॉगरिथम। तो हम जो सिलेबस यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पेशली है, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाले ही रेफर कर सकते हैं क्या? मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस से है, जैसे पंजाब राव देशमुख वगैरह कॉलेजेस, तो क्या यहाँ के बच्चे नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने टॉपिक जितने भी लिए हैं, नाम जरूर मैंने यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिया हो, लेकिन सभी के लिए ये है, सभी बच्चे देख सकते हैं। तो स्पेशल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि सिलेबस आपका किस तरीके से है, क्या है आपके सिलेबस में, क्या क्या आपको पढ़ना है, एग्जाम आपका कैसे बनता है, सारी चीजें हैं। उसके बेस पर हम यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये जो लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 1 है, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं मैंने उसके अंदर आपको बेसिक सिखाया था, जिसमें लॉज ऑफ इंडाइसेस मैंने आपको सिखाया हूँ। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है उसको मैंने आपको डिटेल में समझाया हूँ, वो सारी चीजें आपको बताया हूँ किस तरीके से हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस देखा है, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या होते हैं, उसी का यूज करके आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और इसकी नोट्स वगैरह के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ। नोट्स जो है आप लोगों को जो है, जैसे कि ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएगा, तो नोट्स नोट्स का मैं आपको लिंक दे दूंगा। और मेरा अपना एक पर्सनल ऐप है तौसिफ सर, तो आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको ये नोट्स, इसके जो नोट्स रहेंगे कलरफुल नोट्स, आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पर इसका जो नोट्स है वो कहाँ पर, जैसे जो नोट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि नोट्स जो है आपको मेरे ऐप में मिल जाएगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से ऐप को डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को नहीं पता चला या कुछ पूछना रहा तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। मेरा नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, 9623571945, ये मेरा नंबर है और नाम है तौसीफ सर। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके तौसीफ सर डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, और मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया हूँ मैंने, किसी कुछ पूछना रहा इसके रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो है हाउ टू कन्वर्ट लॉग एक्सपोनेंशियल नंबर टू लॉगरिथमिक नंबर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये सीखेंगे, जो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं यहाँ पर वो है हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल नंबर टू लॉगरिथमिक नंबर या लॉगरिथम। तो ये है हमारा टॉपिक, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का यही है, और सबसे पहले हम यहां पर ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ फिर से लॉज ऑफ इंडाइसेस का। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, 2^3 = 8। सभी को पता है कि 2 की वैल्यू अगर हमने 3 रखे, 2 की पावर 3 रखे, तो यहाँ पर जो मिलती है वैल्यू अपने को 8 मिलती है। इसके नाम भी अपने को पता है सभी को कि इसके नाम क्या है, जैसे ये जो 3 है इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ पर मैं कन्वर्शन फॉर्मूला भी बताते चलूंगा आपको, 2^3 = जो 8 मैंने लिया हूँ, यहाँ पर इनके नाम समझिए, मीनिंग समझिए, किसको क्या कहते हैं। ये जो ऊपर है इसे हम कहते हैं पावर, और उसी का दूसरा नाम होता है इंडेक्स, और करके लिख रहा हूं मैं यहां पर, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। उसके बाद ये जो नीचे नंबर है, ये वाला नंबर, इसे हम कहते हैं बेस, और इधर वाला जो नंबर है इसे हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। यहां पर मैंने आपको जो बताया हूं इनके क्या किसका फंक्शन है ये सारी चीजें बता रहा हूं। मैं कलर पेन का यूज करता हूँ जिससे आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आएगी बेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ सारी। अब देखो ये जो नंबर है यहाँ पर 2^3 = 8 जो मैंने ले रखा हूँ,
ये अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथम में। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसके ऊपर फोकस करना है कौन सी टर्म को हम क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया हूँ, ये है इंडेक्स या फिर पावर, और ये है बेस। नीचे वाले नंबर को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर या इंडेक्स कहते हैं, और इधर वाले को कहते हैं वैल्यू। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, इसको आप जब कन्वर्ट करते हो किसमें, लॉगरिथम में, तो कैसे लिखना होता है लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, आप इसको किस तरीके से लिखोगे उसके ऊपर जरा फोकस कीजिएगा। जैसे अब मैं इस नंबर को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया लॉग। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको नंबर को। तो देखो एक बात याद रखो, हमेशा जो बेस रहता है ना वो नीचे है, यहाँ पर बेस जो है वो नीचे है, तो बेस हमेशा नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है। लॉग में कन्वर्ट करोगे तो भी वो नीचे ही लिखा जाए, यानी बेस जो है आपका यहाँ पर जो टू था उसको हम क्या लिखेंगे, बेस में ही लिखेंगे। लॉगरिथम जो नीचे नंबर रहता है ना उसको बेस ही कहते हैं, यहाँ पर भी बेस कहेंगे, यहाँ पर भी बेस कहेंगे। उसके बाद ये जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे इसके साथ में। ठीक, फिर से बताता हूँ, बेस नीचे था, नीचे ही लिखा। जो यहाँ पर नंबर है वैल्यू, उसको हमने कहाँ लिखा, इसके साथ में लिखे हैं। और जो इंडेक्स है यानी पावर है वो इक्वल के उस साइड जम कर लेगा, यानी इक्वल के साइड उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होता है इसको ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे हमने इसको कन्वर्ट किया है। फिर से बता दो कि हमने यहाँ पर कैसे कन्वर्शन किया है। देखो बेस जो था बेस में ही लिखा गया, तो इसको नाम दे देता हूँ हमें, जो नीचे होता है ना लॉगरिथम में उसे हम कहते हैं बेस। उसके बाद यहाँ पर जो साथ में लिखा गया है एड जो है, यहाँ पर भी वैल्यू था, इसके साथ में भी वैल्यू है, इसको हम कह रहे हैं वैल्यू। और ये वाला जो नंबर रहता है इसे हम कहते हैं इंडेक्स या फिर पावर। क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने कन्वर्ट किया हो। अब यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बनाया हूँ इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोनाउंस भी किया जाता है ना इसको, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ये जो वैल्यू हमने यहाँ लिखे है ना इसका पढ़ने का तरीका क्या है ये भी बता देता हूँ। इसको क्या पढ़ते हैं, 2^3 = 8। ये तो सभी को आता है, 2^3 = 8, ये तो सभी को आता है। ये वाला जो है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये बता देता हूं। इसको हम पढ़ते हैं लॉग 8 to the base, बेस पे क्या है 2, लॉग टू द बेस 2 = 3, log 8 to the base 2 = 3। पढ़ने का तरीका है इसको, कैसे पढ़ोगे, log 8 to the base 2 = 3। क्लियर है? तो ये हो गया अपना इसका प्रोसीजर, कैसे हमने लॉगरिथम को एक जनरल नंबर को लॉगरिथम में कन्वर्ट किया। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब इसका मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल था, इसी तरह मैं इसको आपको एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, ये रफ कर देता हूँ सारी चीजें। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे नंबर्स को यहाँ से बदल कर, अब ये जरूरी थोड़ी कि 2^3 = 8 ही आएगा, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो वो नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे ये 2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस जगह पर मैं ले लेता हूँ ए। 3 को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जगह ले लिया मैंने एक्स। और 8 को मैं यहाँ से हटाकर इसकी जगह ले लेता हूँ एम, जनरल नंबर लिया हूँ a^x = m। इसका कन्वर्शन फॉर्मूला वैल्यू सभी भी जो हमने जो नाम दिया है ना वो सब वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्शन क्या होगा कि जो बेस में है ए वो बेस में ही जाएगा, यानी बेस में ए था पहले, इधर बेस में था, इधर भी बेस में लिखेंगे। ये जो वैल्यू है इसकी इंडेक्स जो इधर लिखी हुई है वो इक्वल के उधर साइड जंप करेगी, यानी एक्स इधर आएगा। और जो वैल्यू होती है, सॉरी आप, वैल्यू जो होती है एम, हम उसको क्या लिखते हैं, इस जगह पर लॉग के साथ में लिखते हैं। और जो इंडेक्स होता है इक्वल के उस साइड जंप कर लेता है इधर। तो इसको भी किस तरीके से प्रोनाउंस करूंगे, आप पढ़ोगे कैसे, लॉग एम टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया। बस यही है सब कुछ इसके अंदर। अगर ये कन्वर्शन अगर किसी को समझ में आ गया तो आप इजीली किसी भी नंबर को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब चलो आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का पार्ट देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले लॉगरिथम के कुछ बेसिक रूल्स है जो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर वो रूल्स अगर आपको आते हैं तो आप आगे के एग्जाम्पल इसके इजिली सॉल्व कर पाओगे। अगर रूल्स आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, अपने पास पे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
अपने पास में नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए अगर आप अपनी खुद की नोट्स बना रहे हो, देखो यहाँ पर मैं सब कुछ सिस्टमेटिक लिखा रहा हूँ आपको, अगर आप खुद की नोट्स बना रहे हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आपकी अच्छी से सिस्टमेटिक कलरफुल नोट्स बनाइए, मल्टीपल कलर का यूज कीजिए, कलरफुल अलग अलग कलर पेपर पेन का यूज कीजिए और नोट्स बनाइए। आपकी जो नोट्स बनेगी ना आपको इंटरेस्ट आएगा उससे पढ़े, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी ये रहा हमारा लॉग पहला रूल, जिसमें हमें बोला है, जिसका नाम है जीरो एक्सप्लोरेटरी रूल। इस रूल में क्या होता है बच्चों कि अगर आपको कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले एक नंबर हमने लिया है ए, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव रियल नंबर हमने लिया उसको, जैसे 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी ले लो, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कभी हम किसी भी नंबर यानी बेस में कुछ अगर नंबर ले रहे हैं पॉजिटिव नंबर, तो 1 का अगर लॉग लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। आसान लैंग्वेज में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर लॉगरिथम लेते हैं आप, यानी लॉग किसका, 1 का, 1 का लॉग अगर आपने ले लिए तो आंसर हो जाएगा 0, चाहे बेस में कुछ भी हो, चाहे बेस में 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, हमेशा लॉग का 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। लॉग 1 जो रहेगा, 1 का अगर 1 के ऊपर लॉग रखोगे तो हमेशा लॉग 1 की वैल्यू आपको 0 मिलना है। चलो फटाफट आपको मैं इस तरीके से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। अभी जैसे ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, इसी तरीके से दूसरी वाली प्रॉपर्टी, इसकी कुछ एग्जाम्पल भी लिख के रख लीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे बता रहा हूँ, लॉग 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0, उसी तरह आप लिख सकते हो लॉग 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ भी बेस में लिखो हमेशा 1 के लिए वो 0 ही बनेगा। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, रेफ करता हूँ मैं। चलो ये रही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या करना है, अगर वैसे ही जैसा पहले किया था सेम, ये कॉमन रहेगा सभी में कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो लॉग ए टू दी बेस ए इक्वल टू क्या होगा, 1। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो बेस में नंबर ले रहे हो वही वैल्यू भी है, सेम नंबर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर हमने ले लिया लॉग 2 टू द बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह अगर हमने ले लिया log 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। प्रूफ हम इसके नहीं ले रहे हैं, प्रूफ अपने काम पड़ता नहीं है, कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इसलिए हम सिर्फ वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये होगी इसकी तरह, इसी तरह अब मैं आपको इसके और रूल्स बता देता हूँ। यहाँ पर ये वाले जो रूल्स हो गए, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 भी एक बता देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं सारी चीजें। यहाँ पर हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं, यानी R3। अगर कोई नंबर है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, दो नंबर है आपके पास में, लॉग एम बेस में ए ले लिया और दूसरा है लॉग एन, यहाँ पर बेस में इसके भी एन है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये होता है लॉग एम इंटू एन बेस में ए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, ए पॉजिटिव ले रहे हैं हम हर जगह, ठीक है, तो यहाँ पर लॉग एम लिया, एम बोले तो एक नंबर है कोई तो भी, एन भी एक नंबर है और बेस दोनों का सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं उनको इस तरीके से लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो एम एन जो है मल्टीप्लीकेशन में लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैंने बोला log 5 टू द बेस 2 प्लस log 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन बनेगा log 5 इंटू 4 हो जाएगा और बेस में 2 आ जाएगा, log 5 इंटू 4 वो हो जाएगा 20 और आंसर बन गया इसका log 20 टू द बेस्ट, ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी जिसमें हमने लॉग एन प्लस लॉग एन किया, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, log m log mn टू द बेस 3। कुछ भी ले लो आप यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पर यही नंबर, ये एग्जाम्पल था, आप यहाँ पर 3 रख दो, यहाँ पर आप 2 रख दो, तो भी आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इजीली, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा जो कि 6 के बराबर बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ऐसे हम किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर देखिए यहां पर हम ले रहे हैं R4, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूं। अब ये प्लस की जगह मैंने माइनस कर लिया तो इधर इसमें क्या चेंजेस होंगे, इसमें ये चेंजेस होंगे कि m/n हम इसमें लिखेंगे, यानी log m - log
log m to the base a minus log n to the base a is equal to log m by n to the base a, ये हमारा इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक माइनस ले लिया, log 3 to the base 2 minus log 2 to the base 2, एक एग्जांपल ये ले लो या फिर कोई और एग्जांपल ले लो। चलो हम ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा रिलेटेड एग्जांपल बने जो, यहाँ पर मैंने ले लिया 9 और यहाँ पर ले लिया 3, ओके तो क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, log 9 minus log 3, बेस में दोनों के 2 है तो क्या होगा, log इसका आंसर होगा 9 by 3 base 2, तो आंसर हो जाएगा 3 से 9 कटा, आंसर हो गया ये इसका एग्जांपल। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसकी समझ में आ गई होगी। नाम वगैरह हम इसके इतना खास जरूरत नहीं है, आप लोग बस क्या कीजिए, प्रॉपर्टीज को याद रखिए, ना उसके प्रूफ को याद रखने की जरूरत है, ना ही आपको उसके नाम को याद रखने की जरूरत है, आपको सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूले क्या है, वही याद रखिए। ज्यादा अगर टेंशन लगे पढ़ोगे कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है अपने पास में जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम पावर अगर रही किसी लॉगरिथमिक नंबर को तो उसको कैसे लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर कोई अपने पास में नंबर ऐसे है log m बेस टू दी पावर k टू दी बेस a, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अपने पास में अगर कोई नंबर है log m टू दी बेस टू दी पावर k टू दी बेस a अगर रहा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो k है ना इसको नीचे उतार देंगे, मतलब पहले ले लिया log k, यहां पर ले लिया log m टू दी बेस, यस का मैंने आंसर, ओके क्लियर यहां तक के सभी को। यहां पर हमने क्या किया है इसको इस तरीके से लिखा है, अगर यहां पर अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मैं नीचे ले लूंगा log m रेस टू दी पावर k टू दी बेस a अगर रहा, तो हम k को पहले लिख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं log m टू द बेस, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसकी एक एग्जांपल अगर लेना चाहो तो एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे log 5 रेस टू दी पावर 2 टू दी बेस 3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 2 को पहले ले लिया तो ये बन गया आपका log 5 टू दी बेस 3, इसका सॉल्यूशन ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है आर फाइव लॉग एम सॉरी लॉग ए टू दी बेस ए रेस टू दी पावर एक्स, समझने इसको क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर लॉग ए रेस टू दी पावर एक्स टू दी बेस ए है, यानी a जो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है जिसके पावर में पहले से ही क्या है x है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, x तो हम प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले ले सकते हैं, तो log a टू दी बेस a की प्रॉपर्टी में हमने देखा है log a टू दी बेस a की वैल्यू होती है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x log, ये क्या हो जाएगा आपका a टू दी बेस a, तो इसका आंसर हो जाएगा x हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कैसे हुआ है log a टू दी बेस a, हमने पहले देखा है ये प्रॉपर्टी कि जिसमें अगर दोनों नंबर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, सेकंड प्रॉपर्टी थी, तो उसके अंदर हमने देखा है ये आंसर है, यानी अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू ही आपकी क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, रफ कर देते हुए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज बेस प्रॉपर्टी। चेंज बेस प्रॉपर्टी क्या है, चेंज बेस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अभी नंबर अपना आई थिंक 6 चल रहा है, तो अगर आपको पहले से ही लॉगरिथम इस तरीके से लिया, यहां पर ले लिया मैंने बी और यहां पर लिया बेस में सी, चेंज बेस इसलिए कहते हैं, इसको नाम है प्रॉपर्टी का चेंज बेस, चेंज ऑफ बेस, यानी जो बेस है उसको चेंज करना है किसी दूसरे में, ए में चेंज कर रहे हैं लोग, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, बहुत सिंपल है, बी जो है यहां पर आ जाएगा और ये जो C है उसको भी एक लॉग दे देना और नीचे लिख देना है, ठीक है, B C, और यहाँ पर जो है A ले लेते हैं यहाँ पर, मतलब हमने क्या किया है यहाँ पर जो बेस C था उस C को चेंज करके यहाँ पर A लेकर आ गए, यानी C था पहले, C को चेंज किया हमने और A लेकर आए, तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चेंज बेस प्रॉपर्टी।
यानी अगर आपको जब भी जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, जहां पर बी आपको दिया है, आप सॉल्व क्या कर सकते हो उसको, बी को चेंज करके सी ला सकते हो, वहां पर लिख सकते हो। ओके, तो ये थे अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया हो। अब चलिए आप इसकी पूरी समरी बनाते हैं, एक एक करके मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाया, अब इसकी पूरी समरी बनाते हैं, एक साथ सारी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं जो जो हमने यहाँ पर लिखी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग वन टू दी बेस ए इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग ए टू दी बेस ए इज इक्वल टू वन। थर्ड प्रॉपर्टी लॉग एन प्लस लॉग एन, दोनों के बेस में क्या है, ए है, तो इसका आंसर होता है लॉग एम एन। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसका प्रूफ याद रखने की जरूरत है। ज्यादा दिमाग पे टेंशन लोगे तो ज्यादा टेंशन बढ़ेगा, इसलिए कम कम पढ़ो और याद रखो बस। तो ये प्रॉपर्टीज होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी लॉग एम माइनस लॉग एन टू दी बेस ए इक्वल टू लॉग एम बाय एन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया था फोर्थ। अब इसके बाद में लॉग पावर वाली प्रॉपर्टी जो थी उसका नंबर दिया था पांच, लॉग एम रेस टू दी पावर के टू दी बेस ए इज इक्वल टू, के को पहले ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं हम लॉग एम टू दी बेस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद प्रॉपर्टी सिक्स। सिक्स प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा है, सिक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पर चेंज बेस कर देते हैं, हमें नाम दूसरा दे देते हैं, दूसरा वाली प्रॉपर्टी को दूसरा नाम लॉग, यहाँ पर मैं m ले लेता हूँ, ठीक है, m टू दी बेस n अगर रहा और मैं इसका बेस सेम बनाना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर log मैंने m ले लिया, log m बेस a अपॉन log n टू दी बेस। सब क्लियर, ये हो गई। अब इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ आपको जो कि याद रखना है, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखनी है जो आपको काम में पड़ सकती है। एक प्रॉपर्टी ये है जो बहुत ज्यादा यूज पड़ता है, जैसे ए रेस टू दी पावर एक्स टू दी बेस ए अगर रहा तो इसका आंसर एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी का ज्यादातर काम पड़ता है, लॉग एम रेस टू दी पावर एक्स रहा और इधर लॉग, या फिर ऐसे लेता हूँ मैं इसको, लॉग ए रेस टू दी पावर एक्स रहा log a रेस टू दी पावर y रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं वैसे ही e रेस टू दी पावर, सॉरी a रेस टू दी पावर x रहा, a रेस टू दी पावर y रहा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, इतना अभी के लिए काफी है। इतने इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी सिखाया। अभी इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम इसके एग्जांपल सीखेंगे और एग्जांपल देखेंगे कैसे इसके एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझा होगा। जैसे मैंने आपको बताया उसकी नोट्स वगैरह जो है आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगी, और मैंने अपना नंबर जो है अपना नंबर भी दे दिया हूँ लिंक पर, और मेरे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सारी चीज़ें जो है आपको, अगर किसी को इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है उसे पूछ सकते हैं। तो हमारी जो डेली लाइफ क्लासेस है, जो मेरा ऐप है स्पेशली, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर डेली लाइव क्लासेस भी चलती है। अगर आपको कोई डाउट अगर रहता है, कुछ पूछना रहा, तो आप उसमें अपना माइक ऑन करके उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी दिक्कत या प्रॉब्लम रहा तो। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं, इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करके स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।